हिरास लिए चलते हैं अकबराबाद के इलाके में, जहां विफाक के वजीर शुमारियात कामरान माइकल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सबकी सलामती हो। मैं ये समझता हूँ कि खुदा का एक गहरा इंतजाम है कि खुदा आज मुझे आपके दरमियान में लेके आया है। आज सुबह मैं बरनाला गांव में था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रोग्राम हमारा डिसाइडेड तो नहीं था, लेकिन शाम को ही ये प्रोग्राम बना कि हम अकबराबाद में आपके दरमियान में आएँ। ये आप लोगों की एक आपकी तरफ से दावत आई हुई थी और बड़ी देर से पेंडिंग थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप सबको मिला जा सके, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने बुज़ुर्गों को, और उनके जो मसाइल हैं, दरीना मसाइल हैं, उनको सुना जा सके। जैसा कि मेरे से कबल मेरे भाइयों ने यहाँ पर बात की, हमारी बहन ने बात की, आपके बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके वजह से ये इलाका पसमानदगी का शिकार रहा है, ये इलाका मुसीबतों में घिरा रहा है, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि आज जो मुतालबात, जो मामलात आपने हमसे डिस्कस किए हैं, हम उन पर गौर व खौज करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके आपकी मदद कर सकें। जो आपके इस इलाके की रजिस्ट्रियों का मसला है, मैं वही आपके काउंसलर साहब इश्तियाक कोकर साहब से पूछ रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि ये मसाइल जो हैं ये कोर्ट में पेंडिंग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें कोर्ट पेंडिंग हैं, अदालतें उन्हें वॉश कर रही हैं। हम जो मॉरल सपोर्ट आपको कर सकते हैं, आपके साथ वैसे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि माड़े के साथ, गरीब के साथ हर कोई खड़ा भी नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आपके नुमाइंदगान, आपके लीडर्स आपके साथ, आपके दरमियान दुख के आलम में, तकलीफ के आलम में आपके साथ खड़े होते हैं, तो आपकी ताकत दुगना हो जाती है। तो आप जो हम किसी भी मुश्किल की घड़ी में, किसी भी परेशानी के आलम में हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये आज भी आपने मेरे से डिस्कस किया है और जो आपकी हेल्प हो सकेगी, अपनी ताई अपनी कैपेसिटी में रहते हुए हम बिल्कुल वो करेंगे, और जो कुछ कानून के दायरे में रहते हुए आपको हम लीगल एड प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी हम करेंगे। मैं समझता हूँ ये बात बहन ने की कि हर महीने पैसे क्यों देने पड़ते हैं, वकील की फीस एक ही दफ़ा एडजस्ट करें और उसे भेजें, आप हर महीने वाला काम बंद करें, जो भी आपसे मांगता है हर महीने पैसे ना दें आप। ये कोई ऐसे मसाइल नहीं कि हर महीना लगा हुआ है यहाँ पे आपका, आप उन मसाइल का हल ऐसे ही तलाश करें, आपको शायद पैसे देने की जरूरत ही ना पड़े। आप अपने मसाइल के, बड़ी अजीब सी बात मैंने सुनी है कि लोग हर महीने 5-5 हज़ार इकट्ठा करते हैं और अपने केसेस की सूरत में वो भेजते हैं, तो ऐसे वकील से भी किनारा करें, कोई खुदा का बंदा लें जो खुदा की खौफी करता हो आपका काम करे। गरीब बंदों से हर महीने 5 हज़ार लेना, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं समझता हूँ हमारे खुद अपनी, हमारा पूरा लॉयर फोरम है हमारा, आप अपना केस हमसे डिस्कस करें, मैं आपके साथ बैठूंगा, आपके साथ लॉयर्स को बिठाएंगे। और मैं समझता हूँ जैसा कि यहाँ के सबक MPA के साथ आपका एक इशू है जो आप PTI में शामिल हो चुका है, तो ये इशू जो है ये सियासी रंग नहीं हमें से देना चाहते, लेकिन अगर वो गरीबों को तंग कर रहा है, हमारी मसीही बरादरी को तंग कर रहा है और उनको खींच के अदालतों तक घसीटने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हमारी माओ बहनों को अदालतों में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए यहाँ के नौजवान ही काफ़ी हैं, वो खुद उन्हें घसीटेंगे अदालतों में। और हमारा मुस्लिम लीग नून लॉयर फोरम जो है, मैं उसके बिहाफ पे आपको कहूँगा कि जो जहाँ पे नाइंसाफ़ी होगी, जहाँ पे जो मुश्किलात होंगी, हमारी लीगल टीम जो है वो आपको फ्री लीगल एड जो है प्रोवाइड करेगी। जहाँ कहीं पैसों की जरूरत पड़ेगी, कोई पेपर वर्क के हवाले से कुछ भी है, वो आप 5-5 हज़ार जमा ना करें। अगर उस केस के लिए करें तो ना करें।